पाकिस्तान हाय हाय, 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 निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान हाय हाय, 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 गो बैक LG, go back, go back, go back, LG, go back, go back, go back, LG। देखिए आज का जो प्रदर्शन युवा कांग्रेस कर रही है वो विशेष तौर पर दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जो है वो आतंकवाद का मुद्दा है और दूसरा मुद्दा जो है वो स्टेटहुड को लेकर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आतंकवाद जो है वो चरम पर है। पहले तो कश्मीर में हुआ करता था और इन दिनों में आप देखेंगे जहां पीसफुल इलाके थे जम्मू प्रोविंस के, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आतंकवाद जो है बढ़ता जा रहा है। वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, कहा गया था कि हम स्टेटहुड जो है वापस देंगे, लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि एलजी को जो है इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो सरकार चुनी जाएगी उसको कठपुतली की तरह यूज किया जाएगा। तो हम इस चीज को लेकर जो आज सड़कों पर उतरे हैं युवा कांग्रेस के जो साथी हैं वो चाहते हैं कि स्टेटहुड का जो दर्जा है वो इलेक्शन से पहले बहाल होना चाहिए और ये जो एमएचए की जो नई डायरेक्शन आई है जिसमें एलजी को एम्पावर किया गया है इसे वापस लिया जाए और जितने हक और हकूक है हमारे रियासत के, हमारी जो रियासत के हक हमसे छीने गए हैं उनको वापस लेने का काम जो है हम सड़कों पर उतर के करेंगे। यही हमारा आज का जो मुद्दा है उस पर प्रोटेस्ट। हाय हाय, हम से डरता है।